सबको आदर प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर त्रिपेर स्वामी। मैं वड्डे सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ऐसे संप्रदायवाद प्लानेट यूनिवर्स और ग्लोबल का भी मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और लिबरल कंजर्वेटिज्म पार्टी का भी मैं अध्यक्ष हूँ और संस्थापक हूँ। आज मैं आपके सामने बताने के लिए आया हूं हमारे पुराना जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताने आया हूं, जो कि हमको स्वतंत्रता मिलने से पहले वो कांग्रेस पार्टी था और उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? ब्रिटिश था। और कांग्रेस पार्टी हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अच्छा भाग लिया। वो बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी वो एक सच्चे संप्रदायवादी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सच्चे संप्रदायवादी थे, वो भी कांग्रेस में थे, लेकिन उनको आज तक आप किसी भी बैनर में देखिए उनका फोटो कांग्रेस पार्टी में आपको नहीं दिखेगा, वो अलग बात है। और जो सोमनाथ मंदिर का रिनोवेशन हुआ स्वतंत्रता के बाद, उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोले कि मैं जाऊंगा एज ए भारती के नाम पे, मैं जाऊंगा एज ए राष्ट्रपति के नाम पे नहीं जाऊंगा, ये बोल के उन्होंने गया था। नेहरू जी उनको रोका था, वो सब हमको पता है। लेकिन मैं आज आपके सामने बताने के लिए आया हूं कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष जो बोलता है ये लोकतांत्रिक पद्धति से चुना गया, क्या बुद्धू बना रहे हो क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के आज के अध्यक्ष है, उनका अस्थि मूल्य कितना है? 800 एकड़ का जमीन बन्नेरघट्टा में 102 एकड़ का जमीन कलबुर्गी में, बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, किसका बाप का पैसा भाई? किसका बाप का? पैदा होते ही क्या अब ये सोने के स्पून से पैदा हुआ क्या? क्या तुम्हारा बैकग्राउंड? कौन तुम? कौन पैदा होते ही ये गोल्डन स्पून आया क्या? सोने का स्पून कैसा है इतना पैसा? किसका बाप का पैसा? और आप मांग रहे हो अधिकार चाहिए? आपको अधिकार क्यों चाहिए? आपका अस्थि मूल्य ज्यादा करने के लिए चाहिए आपको। आज भी मैं गया हूं कलबुर्गी में, मेरे कॉन्टेक्ट है लोग, मैं बात करता हूं फोन पे उनसे। आज भी कलबुर्गी में पीने के लिए पानी नहीं है, कितने सारे डैम वो ये हुआ है, लेकिन इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया उधर, कुछ भी काम। शेम ऑन यू, आपको शर्माना चाहिए, आपको कुछ भी काम नहीं किया उधर कलबुर्गी में आप, और बोलते हैं आप इतना कहां से पैसा भैया? सदाशिव नगर में उनका पैलेस है, करगे पैलेस, बहुत बड़ा पैलेस है उनका कॉम्प्लेक्स। इंदिरा नगर में कॉम्प्लेक्स है, बेंगलुरु में हजारों करोड़ों रुपया, कहां से आया भाई? कौन दिया? किसके बाप का पैसा? आपको सत्ता चाहिए क्या? सत्ता क्यों चाहिए भाई? उतना पैसा है, आराम से आप अपना अपना कर लो। पार्टी क्यों चाहिए आपको? सत्ता क्यों चाहिए आपको? मैं ये बोल रहा हूं आपके माध्यम से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आपके बेटे, आप जो लोगों ने जो काम किया है कर्नाटक में, और आपका ये क्या है प्रॉपर्टी ज्यादा करने का, एटलीस्ट तुमने खरीदा क्या 800 एकड़ का जमीन, 1200 एकड़ का जमीन खरीदा क्या पैसे देके? सरकार की जमीन है वो, आपने कब्जा किया हुआ है। किसने दिया आपको अधिकार? सिर्फ और सिर्फ आप एक राजनीतिक नेता है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, इसलिए आपको कब्जा करने का अवसर दिया जाएगा क्या? क्या आपको बुद्धू समझते हो क्या? मैं ये बोलता हूं आपके माध्यम से, इसको मैं घोर निंदा करता हूं। आने वाले जिंदगी में, आने वाले दिन में हम इसके ऊपर घोर आंदोलन करेंगे।
इनको कांग्रेस पार्टी वालों को सत्ता चाहिए कि उनका प्रॉपर्टी आस्ती मूल्य ज्यादा कर ले। क्या भाई तुम क्या किया? लोग मर रहे हैं उधर कलबुर्गी में, पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, एक गांव को पानी जा रहा है उसके जाको अब बंद कर रहे हो, गांव का पूरा गांव का पानी जाने का उसको बंद कर रहे हो, उनको तकलीफ दे रहे हो। मेरे को आप पता है, वो मेरे को फोन आता है, ये वार्निंग देता हूं मैं, सत्ता नहीं मिलेगा आप लोगों को, एक भी सत्ता नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है, याद रख लो। और टिकट जो जिस जिसने मेरे ऊपर ट्राई किया है, जिस जिसने मेरे को और मेरे परिवार को तकलीफ दिया है, उसको एक टिकट भी किसी पार्टी से नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। अगर मिल गया समझो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। अगर मिल गया किसी पार्टी से और किसी इंडिपेंडेंट भी हो जाए वो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। साला घुस के मारेंगे साला लोग, नाटकबाजी चल रहा है क्या? गांडू समझा क्या हमको? घुस के मारेंगे साला लोग, क्या इतना दिन क्या समझते हमको? छोड़ देगा बोल, ऐसा सब नाटक कर दिया। अरे FIR फाइल हुआ रे उधर वडलगिरी चित्रदुर्गा में, आप सब जाति का नाम उधर है, सिर्फ ऐसे ही लोग अपनी जाति उसके जाति में रहते हैं तो आपको पैसे कम देगा? किसने बोला आपको पैसा देने के लिए? किसने बोला आपको पैसा करने के लिए? किसने बोला आपको ये अधिकार मिलेगा? कौन दिया आपको अधिकार? और आपको पैसा दिया तो आप क्या उधर HDFC बैंक में होकर आदमी आके बोलता है, वो मैनेजर बोलता है मशीन को पूछो, वो मेरे को बोलता है अरे हम लोग उन लोगों को पैसा दे दिए तो वो हमको क्या करेंगे पता है क्या, ऐसा पूछ रहा है वो। आप लोग ऐसे लोगों को करोड़ों रुपया देके सत्ता देके क्या कर रहे हो? क्या समझ रहे हमको? एक भी ग्राम पंचायत का एक टिकट नहीं मिला था सारा लोगों को, तुमको घुस के मारेंगे। और पुलिस वाले, मैंने वो देखा, पुलिस वाले आके मेरे को बोल रहे हमारा कम है इसलिए हम आके हम राजनीति में आएंगे। मत ना भैया, वो पुलिस भी चला जाएगा आपका, पूरा खत्म हो जाएगा, बोल रहा हूं सुन लो, ये वार्निंग है, पूरे विश्व का बोल रहा हूं मैं, इंटरनेशनल है, अब गांडूगिरी नहीं है, पूरा विश्व में घुस के मारेंगे। बोल दे समझ गए ना, पुलिस भी चला जाएगा, सत्ता तो कहीं कहीं दूर दूर तक भी आपको टच करने नहीं दूंगा सत्ता, ये मेरा वादा है, याद रखना ये मेरा वादा है। वो पुलिस भी चला जाएगा, वो सुना है मैंने, मैं स्पोर्ट्स में है इसलिए मैं सत्ता लूंगा, मैं पुलिस में है इसलिए सत्ता लूंगा, इंटेलिजेंस में है मैं सत्ता लूंगा, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा, ये गांडूगिरी नहीं चलेगा। देखिए हमने घुस के मारेंगे, बोला ना घुस के, साला लोग कुत्ता लोग, तुम ये ड्रामाबाजी करोगे नाटकबाजी करोगे इतना सब कुछ करके, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे को ड्रग्स डाल के नाटकबाजी करके, अरे लड़की को हमने काम के लिए भेजा था उसको ड्रग्स दे के नाटकबाजी करके, वो भी मेरे रिलेशन को करके, अब कोई सत्ता मिलेगा पूरे विश्व में? एक भी सत्ता लिया समझ लेना साला घुस के मारेंगे, पूरा खत्म करेंगे पूरे विश्व में। साला लोग क्या समझ लिया हमको? घुस के मारेंगे सत्ता, दूर दूर तक टच नहीं करने दूंगा, देता हूं कौन आता है सत्ता के लिए, साला कुत्ता लोग।